नेक्स्ट एक्सरसाइज विल बी कैट एंड कैमल एक्सरसाइज। दोनों हाथों पे वेट लेते हुए घुटनों पे दोनों को इक्वल डिस्टेंस रखना है, हाथों के और घुटने के बीच में डिस्टेंस सेम होना चाहिए। इनहेल करते हुए बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है एंड एक्सहेल धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नाक से। पूरी स्पाइन को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करिए। अगेन इनहेल, सांस लेते हुए धीरे धीरे नाक से जो बिगनर्स हैं उनके पूरी स्पाइन में खिंचाव महसूस होगा, जिनकी मसल्स काफ़ी वीक हैं बाकी उनको इसमें करने में शायद थोड़ा डिफ़िकल्टी फेस हो, पर स्लोली स्लोली प्रैक्टिस करनी है। इसको आप 4 से 5 रिपीटेशंस में रिपीट करिए फॉर बिगनर्स, और जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथनिंग होती चली जाएगी वैसे आपको 10 to 15 काउंट्स आप इसके कर सकते हैं ऑन द डेली बेसिस।